से क्या बनेगा? आईएस ऑफिसर क्या है? कॉन्फिडेंस निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, पक्का निकाल लेंगे। कॉन्फिडेंस है निकाल लेंगे, और शिक्षा पाठ का लेखक कौन है वो भी इसको जानकारी नहीं है, और पता क्या कह को भी साथ देखिए इनको पता नहीं, और यहाँ एग्जाम जाएगा। कितना तैयारी करके आए हो? कुछ नहीं करके आओ, निकाल दोगे एग्जाम? कॉन्फिडेंस है, तैयारी ना जाएगा। साल सीधा बराबर क्या होता है, क्या होता है मालूम नहीं है, और पूरा इसका चला गया। चलो बच्चा क्या नंबर आ जाएगा? आज तक रिपोर्टर मैं सब संतोष गुप्ता आपके साथ। तो क्लास 12वीं का बिहार बोर्ड का एग्जाम इस बार शुरू हो चुका है, और पहला दिन है। मैं साहिया बिहार विद्यार्थियों से पूछेंगे कि किस प्रकार का है एग्जाम, और अभी हम आरओएस पब्लिक स्कूल सीतामढ़ी में इसका लोकेशन देखिए, तो अभी कुछ देर में बच्चा का होगा या छुट्टी विद्यार्थी का, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का इसका गया है एग्जाम। बहुत बढ़िया गया है, इतना कुछ पूरा बन गया है, पूरा है। आपका कैसे गया एग्जाम? अच्छा गया है। कैसे गया एग्जाम भैया? पूरा बना दिया है, पूरा। कितना नंबर आ जाएगा? 100 एकदम बढ़िया गया। कैसा एग्जाम गया भैया? कैसा गया आपका? कितना नंबर आ जाएगा? पूरा बना दिए। कैसे एग्जाम गया छुट्टू? पूरा बन गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है मालूम नहीं है, और पूरा इसका चला गया। चलो बच्चा कैसा एग्जाम गया भैया? कितना नंबर आ जाएगा? वेरी गुड भैया, जल्दी आता है, एक ही फायदा है। कैसे एग्जाम गया? कितना नंबर आ जाएगा? अरे कहाँ कहाँ रही इधर आप? कैसे एग्जाम गया? अभी हम नहीं दिया भैया। कैसे एग्जाम गया? कितना नंबर आ जाएगा? है करेक्ट है आपका? कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कितना नंबर आ जाएगा? कितना नंबर आ जाएगा? छह घंटे पढ़ लेते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वो ए प्लस थीटा होने से पाई क्या है? परिमेय या अपरिमेय है? पाई। हाँ, पाई का वैल्यू आपको पता है? पाई बाई टू का। निकल जाइएगा, कितना नंबर आ जाएगा? पाई क्या है? पढ़ने का अपने पढ़ने कैसे हो जाएगा? आपका एग्जाम नहीं आएगा। जैसा कि आज क्लास 12 का मैथ का एग्जाम था, और यहाँ पर बहुत बच्चे सबने सवाल पूछा, और आज भी वैसा लड़का है जिसको लगभग 80% लड़के जवाब नहीं दे पाए। और बिहार बोर्ड इस बार लॉकडाउन भी नहीं था, और बहुत लड़का पढ़ा भी नहीं। इधर आ जाइए गाड़ी। कितना नंबर आ जाएगा? नंबर आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा। कितना आने करके क्या बनना है? यूपीएससी करेक्ट करना है। यूपीएससी यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? यहाँ से जाने के बाद कितना देर पढ़ते थे आप घर पे? 12-12 घंटा। 12 घंटा तब तो 100 में 100 आएगा। ए प्लस बी का क्या होता है? 100 में 100 आएगा आपका। जैसा कि आज क्लास 12 का फर्स्ट दिन एग्जाम मैथ का था, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट से बात किए, जिस तरह से वो सवाल बनाया था, कितना हार्ड था, कितना नॉर्मल था, वो भी वो बताए। और अभी सेकेंड में एग्जाम हो रहा है, तो 8 बजे जा रहे हैं में 8 बजे के, और अभी लोग लाइन में लग चुके हैं, लोग अभी अंदर जाने वाले। आइए इनसे पूछते किस तरह का इसका तैयारी है, कौन सा विषय का एग्जाम है? हिंदी का तैयारी है पूरा?
आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र कुमार। कौन सा विषय का शिक्षा? आठ है। तैयारी का क्या है? तैयारी तो किए आप, देखते कितना टकरा सकता है। कितना टकरा सकता है? कितना देर पढ़ते थे? और पर चार घंटा, 24 घंटे में 4 घंटा। बाकी देर आओ खाना वाना खाते थे, चाहिएगा आप क्या लिख के आइएगा हिंदी में? जो आएगा वो लिख के, गाना वाना नहीं लिखेगा? भोजपुरी गाना तैयारी है, वो नहीं लिखेगा? क्या नाम है आपका? तैयारी है पूरा? कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है पूरा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कहाँ गया आपका कॉन्फिडेंस? बोलिए तो बताइए ना, चैप्टर है ना महात्मा गांधी का? शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जय कृष्ण। बहुत अच्छा, एक जवाब दिए तो हम पूछे जिसमें वो भी याद है, वो भी याद है, ऐसा बात नहीं है। दीपक क्या उसके बाद पर्यायवाची सब कहता है संधि विच्छेद कर लेते हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो? हिमालय का हिंदुरालय। तो यहाँ आज कल विद्यार्थी अक्सर हमारे यहाँ टैलेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग यूपीएससी बीपीएससी कहीं ना कहीं क्रैक करते, कहीं ना कहीं ये लोग ही जाकर यूपीएससी और बीपीएससी करेंगे। और यहाँ कुछ इस तरह के हैं जो आगे चलकर कुछ और भी लक्ष्य करेंगे, कुछ और जानेंगे। आप आगे चल के क्या बनिएगा? आईएएस ऑफिसर। कॉन्फिडेंस पूरा। अच्छा, एक मुहावरा पूछिए, 9-2-11 होना महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। मृत्यु कब हुआ था? 3 जनवरी 1947। तो यहाँ यूपीएससी और आईएएस बनने का सपना रखा, और जहाँ तक महात्मा गांधी का जन्म भी बता दिया। और आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? कौन चीज का एग्जाम है? कितना देर घर से पढ़ने? 7 घंटा पूरा। हिमालय का प्रवासी सत्य हिंदुराले। आपका क्या नाम है? कॉन्फिडेंस निकाल लीजिए। कॉन्फिडेंस है निकाल लेंगे। और शिक्षा पाठ का लेखक कौन है वो भी इसको जानकारी नहीं है और पता भी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? रोहित। देखिए इनको पता नहीं और यहाँ एग्जाम देने आया है। आपका क्या नाम हुआ भाई? रवि। पढ़ क्या हो? कौन सा विषय का एग्जाम है? पूरा याद है ना? भूल तो नहीं लगा? एग्जाम होने वाला नहीं भूलोगे? आठ में कितना विषय होता है? कितना होता है? 6 विषय। 6 होता है। 2 विषय के नाम बताओ। हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश ये नॉर्मल सबको याद रहता है, दूसरा कोई बताओ आठ वाला। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, उसमें बताओ ना। पॉलिटिकल। ये आपका क्या नाम हुआ? कितना तैयारी करके आए हो? कुछ नहीं करके आओ, निकाल दोगे एग्जाम? कॉन्फिडेंस है? तैयारी कुछ नहीं किया है जी, निकाल देंगे। इतना कॉन्फिडेंस बना ले, यूपीएससी निकालेंगे कि बीपीएससी निकालेंगे डायरेक्ट? मतलब कहीं आगे चल के वो गुंडा निकलेगा ना? कुछ नहीं याद है तो यूपीएससी कैसे निकालेंगे ये लोग? आपका क्या नाम हुआ जी? मास्क लगाए हो? आई टोपी का पहने हो? ठंडा लगता है? और क्या है हो? कौन सा विषय? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इससे पूछा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1947 में जन्म। भाई पहले का डेटा बता रहे हो। रिपोर्टिंग में बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।